एशिया का टॉप मोस्ट गेवर है। बाबा जी हैं, उनके बाबा की अम्मा ने दुकान की थी 80 साल से ज़्यादा दुकान को उसको हो गए। 12 महीने हमारे यहाँ घेवर बनता है, बिल्कुल कोई मिक्सअप नहीं है, जो भी है नेचुरल है। आज हम आए हैं लाला जिया लाल की प्रसिद्ध घेवर की दुकान में और हमको आज देखना है कि ये इतना फेमस क्यों है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी कि क्या यहाँ पे जितने लोग हैं वो क्यों आते हैं इतने सारे घेवर की दुकान छोड़ के, एंड ये स्पेशल क्यों है। सो लेट्स गेट ऑन द वीडियो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से, जो यहाँ पे मेन है, ओनर है उनसे। देखो, दुकान का तो हमें नहीं पता कितनी पुरानी है। हमारे जो पापा जी हैं उनके बाबा की अम्मा ने दुकान की थी हमारी, समथिंग 70 साल से प्लस इसको दुकान को, 80 साल से ज़्यादा दुकान को इसको हो गए होते हुए हमारे जी। और यहाँ का क्या स्पेशलिटी है? हाँ, हमारे यहाँ पे घेवर ही फर्स्ट होता है, घेवर ही बनता है। 12 महीने हमारे यहाँ घेवर बनता है, 12 महीने कहीं नहीं बनता, हमारे 12 महीने बनता है। 12 महीने घेवर बनाता जी, 12 महीने बनता है और 12 महीने ही डिमांड जी सर, 12 महीने हमारे बनने कारण है, डिमांड हमारे यहाँ इसकी इतनी है और डिमांड होने के कारण है इसका जो आप करंच जो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये देख रहे हो ना आप जो इसकी बॉडी के अंदर ना, ये पूरा करंच होता है। इसकी फेमस के कारण सिर्फ ये है, हमारे यहाँ पे जितना माल बनेगा उतना ही बिकेगा। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं है कि माल हम एक किलो फालतू बनाएंगे, नहीं, कस्टमर जितने होंगे, जितने आप देखो कस्टमर खड़े में हैं, वो स्पेशली खाने के लिए घेवर आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। और कहाँ से बंदा आ रहा है हमें खुद नहीं पता। ये तो कस्टमर के भी डिपेंड होता है, अभी सावन चलेगा तो कितना हो रहा है, 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो तक होता है, अभी चल रहा है कंटिन्यू। आप देखो कस्टमर आते रहेंगे, वो कुछ ही मांगेंगे, सिर्फ घेवर मांगेंगे। हम मिठाई रखी हुई और भी है, बंगाली से भी अच्छी बनती हैं, सब बढ़िया बनती हैं, लेकिन स्पेशली जो आता है वो घेवर के लिए आता है हमारे पास। एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं आगे, यहाँ मार्केट में बहुत सारी घेवर की लाइन लगी और लाला जी लाल जी का नाम सब दुकानों पर, ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं, सब दुकान पर नहीं है, केवल एक दुकान पर पीछे, वो हमारे ताऊ जी के बच्चे हैं, उन्होंने नाम लिखवाया है, उससे अलग केवल यहाँ पे मिलेगा और वहाँ केवल दुकान लिखा मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको पढ़ने दुकान। ये दुकान हमारी स्टार्टिंग यहाँ से है, घेवर की कह लो या दुकान की कह लो, हमारे यहाँ से स्टार्टिंग, हमारी दुकान का नाम लेने के लिए, मतलब इतने लोग आते हैं, नाम दे दो जी, फ्रेंड दे दो, हम देते नहीं हैं किसी को। जो फादर है हमारे वो ये कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जो नाम है ना बड़ों का, ये जो चल रहा है वो चलता रहना चाहिए बस। कस्टमर दिल्ली से आए, कस्टमर दिल्ली से आए सिर्फ घेवर लेने के लिए, का बोलना सिर्फ ये है कि जी मेरे यहाँ पे जो ग्राहक आए ना मुझे क्वालिटी मिले, रेट हमारे जेवर इतने हैं मैन, हमारे यहाँ पे जो घेवर मिलेगा आपको वो मतलब बिल्कुल कोई मिक्सअप नहीं है, जो भी है नेचुरल है हमारा। ऐसा नहीं है ग्राहक बहुत घेवर बनाएंगे, हम जितना बनता है उतना आते हैं बस, हमारे ऐसे भी होता है घेवर ख़त्म हो जाता है सावन में, आप आओगे सावन में घेवर आपको मैक्सिमम मैक्सिमम मिलेगा दोपहर तक, फिर घेवर ख़त्म। और हमने जितनी देर तक बात किया इनसे, इतने देर में कितना लाइन लग गया है, मतलब दिस प्रूव्स कि ये कितना फेमस है यहाँ पे। एंड फेमस तो तभी होता है ना जहाँ पे जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे घेवर के अलावा बहुत सारे कलाकंद से शुरू करके बहुत सारे वैराइटीज़ है, बट यहाँ के ओनर का कहना है कि घेवर यहाँ का सबसे स्पेशलिटी है एंड सबसे ज़्यादा यही बिकती है। और जब हमने पूछा कि दिन में कितने सारे बिक जाते हैं, लाइक पूरा खाली हो जाता है, जितने बनाते हैं उतने सारे बिक जाते हैं। तो ये है इनका इम्पोर्टेंस, इनका स्पेशलिटी, ठीक है, इतने सालों से चलाते आ रहे हैं। हाँ, जितनी देर तक लाइन हम देख रहे थे, हमें एक कस्टमर दिखी जो अलग बैठे हुए हैं, तो आइए पूछते हैं कि इनका क्या राय है, इनके ऊपर क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड अभी अलग क्यों बैठे हैं जी। जी आप लाइन पे नहीं लगे क्या?
अभी वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। दरअसल में मैं इस वजह से यहाँ पे आके बैठ गया। मैं पतले का रहने वाला हूँ और करीबन मेरी 22 साल उम्र होगी और मैं 6-7 सालों से यहाँ से ही परचेज़ कर रहा हूँ घेवर को। और यहाँ का घेवर में कुछ अलग ही बातें होती हैं और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा कहीं अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यहीं से खरीदता हूँ और मैं इतने दूर से आते हैं यहाँ जी पे। जी तो सिर्फ इसी के लिए आते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी के लिए आता हूँ और हर संडे में ही आता हूँ मैं इसके लिए। जी वहाँ भी आसपास आपको दुकान मिल जाएंगे? मिलती हैं, पर बट इसके स्वाद में और वहाँ के स्वाद में बहुत फर्क है। यहाँ पे मुझे अच्छा ही लगता है। अच्छा मुझे क्या, सभी को अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी यहाँ पे होश ही नहीं है, इतनी भीड़ है। हाँ जी, हाँ जी। अब टेस्ट कीजिए आप, क्या टेस्ट का? अभी तक तो हमने इनसे सुना ही था, यहाँ देखा ही था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाथ में लेते ही जो इन्होंने बोला था कि इनका ये क्रंच के वजह से बहुत फेमस है, तो यस इट्स वेरी क्रंची। आप देख सकते हो इनका जो बेस है इट्स रियली क्रंची। बहुत सारे घेवर मैंने पहले भी टेस्ट किया है तो वो थोड़े यू नो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो दिस इज क्रंची एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। वो काफ़ी अच्छा है, एक तो ऑथेंटिक घी में तैरा हुआ टेस्ट आ रहा है एंड मलाई जो ऊपर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, ज़्यादा मीठा नहीं है कि खा के एकदम यू नो जिटरी फील हो। इट्स एम ये इसमें देखते हैं कितना क्रंची है और कितना इसमें मावा डाला हुआ है। टेस्ट इसका एक्चुअली अब मैं भी करके देखता हूँ। बहुत अच्छा है, मज़ा आ गया खाने में भाई साहब। एक बार खाओगे तो भूल जाओगे, ये एशिया का टॉप मोस्ट घेवर है, इससे ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं बनता है। Exactly. ये बात अब इसमें आगे मैम कुछ कहना चाहेंगी? अभी तक सुनते आए हैं कि यहाँ का घेवर सबसे बेस्ट है एंड आज हमने टेस्ट भी कर लिया, सो इससे बड़ा प्रूफ और कुछ नहीं होता है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगी, आइए यहाँ पर एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है? एंड आई एम श्योर कि आप ट्राई करने के बाद इसको ज़रूर पसंद करोगे। चलिए तो हम अभी हमारा घेवर पैक कराते हैं बिकॉज वी फॉल इन लव विद दिस। ठीक है, आप घेवर पैक करो। हमारा घेवर पैक करा लिया एंड अब घर जाके एंजॉय करेंगे।